महासंघ अधिकारी कर्मचारी संघ के जो हड़ताल जो हम लोग अभी 17 दिन से लगातार हड़ताल पर उसके संबंध जो हमारी मांग है उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दिए हैं। मैं महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के तहत जो मजदूरों को 15 दिवस के भीतर उनको मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और आज पहले की स्थिति और आज की स्थिति के बारे में कहना चाहूँगा, हम लोग जो महात्मा गांधी नरेगा के जो कर्मचारी हैं जो मजदूरों को मांग के आधार पर तत्काल उनको गाँव पर ही अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराते हैं। पहले की स्थिति पे आज अगर अप्रैल माह में अगर पूरे राज्य में देखें तो 22 से 25 लाख श्रमिक इस सीजन पे काम करते रहे हैं। आज की स्थिति पे पूरे मतलब सभी जिलों में मतलब शून्य की स्थिति है, मतलब कहीं भी कोई लेबर कार्य नहीं चल रहे हैं। मैं आरंभ ब्लॉक की बात करूँ, इस सीजन में मेरे पास 45,000 लेबर कार्य करते रहे हैं। मेरे आरंभ में 61,500 परिवार पंजीकृत है जिनमें करीब 150 लेबर उसमें सम्मिलित है। तो 45,000 परिवारों के सामने अभी रोजी रोटी की समस्या आ गई है, जो कि ये जो हड़ताल है अनिश्चितकाल है, मतलब शासन ने अभी तक हमारे और किसी भी प्रकार की कोई मतलब कि कोई वहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं आया है या किसी के माध्यम से कोई बात हम तक नहीं पहुँची है, क्योंकि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो शासन ये सोचे कि कैसे उन मजदूरों को उनकी रोजी रोटी उपलब्ध कराएं। हम चाहते हैं कि हमारी जो 2-3 मांग है उन पर विचार करें और ताकि हम एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। आज की स्थिति में मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो रोजगार सहायक साथी है जो 12 साल 14 साल 15 साल से रोजगार गारंटी योजना पे अपनी सेवा पूरे तन मन के साथ दे रहे हैं, उनको शुरुआत में 2006 में जब योजना लागू हुआ था उस समय उनको 2,000 रुपये मानदेय मिलता था, 2,000 से 2,500 हुआ। आज की स्थिति में उनको जो 5 साल से जो कम दिन से जो सर्विस कर रहा है उनको 5,000 और 5 साल से अधिक सेवा वालों को 6,000 मिल रहा है। शासन को मालूम है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आज की स्थिति में अगर एक रोजगार साहब 5,000 रुपये या 6,000 रुपये में अगर अपना परिवार को चलाना चाहे वो नाकाफी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मांग में एक महत्वपूर्ण बात नियोजीकरण की किए हैं, या जो पंचायत कर्मी अधिनियम 1965 लागू करने के बाद 66 लागू करने के बाद कही गई है। आज की स्थिति में हम संविदा कर्मचारी हैं, आज हम यहाँ पर आज नौकरी पे हैं, कल हमको पता नहीं होता है कि हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब हमारे मन में दहशत रहता है, हम उस दहशत को दूर करना चाहते हैं। शासन से यह हम एक निश्चितता चाहते हैं कि हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, या तो हमको जो 60-65 तक का जो जॉब है वो कर दे, या तो किसी सेटअप पे हमको बिठा करके नियमित कर दिया जाए, ताकि अब हम 15-16 साल चूँकि नौकरी कर चुके हैं अब स्थिति में नहीं है कि कल को हम कहीं और जा करके या नई शुरुआत कर सकें। सभी लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि शासन हमारी जो मांग है उस पर विचार करें ताकि हम और हमारे परिवार सम्मान के साथ जिंदगी बसर कर सकें। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।